Hi students. Hi parents. How are you all? Fine. Good afternoon, children. Say good afternoon, teacher. Yes, good afternoon. Thank you, children. So, children, go and remove your book. Aromax level B book number 3. Go and remove it fast. Book number 3 nikaliye jaakar. You have removed book number 3, children. Okay, fine. Go, children. So, children, today we are going to learn GK. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? GK. Last lecture में teacher ने conversation में सारा topic ले लिया था. GK का plus conversation का. Yes or no? That's why we have completed fruits and seeds in our last lecture. हमने अपने last lecture में fruits and seeds complete कर लिया था. Yes? तो अब हम जा रहे हैं जीके का न्यू टॉपिक करने. क्या करने जा रहे हैं? जीके न्यू टॉपिक. सो सी ऑन द ब्लैक बोर्ड. आई एम गोइंग टू राइट टुडेस डेट. टुडेस डेट इज चिल्ड्रन 2/8/28/09/2020. दिस इज अवर टुडेस डेट 28 September 2020. And what is our page number? My dear children, what is our page number? Our page number is 3939. Our page number is 3939. Okay? Our page number is 3939. Understand, children? Okay. And what is our subject name? Our subject name is GK. Our subject name is GK. Fine, children. हमारे subject का क्या नाम है? GK नाम है. हमारे subject का नाम है General Knowledge. हमारे subject का क्या नाम है? General Knowledge. Okay? General Knowledge. और हमारे topic का क्या नाम है, children? हमारे topic का नाम है. What is our topic name? हमारे topic का नाम है. Our topic name is root vegetable. Our topic name is roots vegetable. Okay, children. Our topic name is root vegetable. Okay. Our topic name is root vegetable. अब टीचर आपको ये रूट वेजिटेबल का मीनिंग बताएंगे. रूट वेजिटेबल मीन्स लेट्स लर्न सम वेजिटेबल्स. सम ओनली लिसन ना, डोंट से एनीथिंग. सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. सम वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड. ओके, इसका मतलब है कोई कोई वेजिटेबल है, भाजी. वेजिटेबल मीन्स भाजी. कोई कोई जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, जमीन के अंदर ग्रो होते हैं. ठीक है, मीन्स वो आपने तो देखा होगा, गांव में देखा होगा बहुत सारा, बहुत बड़े बड़े फार्म वो होते हैं, खेत होते हैं, उसमें कितने सारे वेजिटेबल्स सब उगते हैं. यस और नो? यस. तो सेम लाइक दैट, जो अंडरग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं वो वेजिटेबल के बारे में हम पढ़ने वाले आज. और उन्हें क्या बोला जाता है? रूट वेजिटेबल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रूट वेजिटेबल. यस, क्योंकि उसके अंदर, उनके अंदर क्या रहता है? एक रूट निकलता है. जब आप ऑनियन को देखोगे, ऑनियन, तो वो जब आप खेत में से लोगे तो उसके अंदर ग्रीन कलर का लीव्स रहते हैं, मतलब बड़े बड़े लीव्स नहीं होते, वो रूट्स रहते हैं उनके. ठीक है, फिर उनको कट किया जाता है, फिर हमें छोटा सा ऑनियन मिलता है. ओके, फाइन. तो आज हम ये रूट वेजिटेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो क्या लिखा है? लेट्स लर्न. चलो लर्न करते हैं. इसमें लिखा है सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. Some vegetables
grow under the ground. Okay, some vegetables, कोई कोई vegetables क्या होते हैं, वो जमीन के अंदर grow करते हैं, उगते हैं. Okay, which are the नाम, उनको क्या बोला जाता है vegetable को. First is beetroot. First is beetroot. Listen, don't say anything. First is beetroot. Beetroot, okay, वो red color का होता है, उसके अंदर वो खाने से हमें ब्लड मिलता है. क्या मिलता है? ब्लड, जिससे हमें ताकत मिलता है, हम वी आर बिकम स्ट्रांग. वो खाने से हम स्ट्रांग हो जाते हैं. बीट रूट, इट इज गुड फॉर हेल्थ. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. ऑनियन मीन्स कांदा. तो वो जो ऑनियन होता है वो मम्मा वेजिटेबल्स बनाने में यूज करते. यस और नो? यस यस. सो एंड थर्ड इज कैरेट. थर्ड इज कैरेट. कैरेट मीन्स गाजर. गाजर का मम्मा गाजर का हलवा बनाते हैं. यस और नो? और गाजर की मीन्स मामा लोग वेजिटेबल्स भी बनाते होंगे. यस. फर्स्ट इज बीट रूट. फर्स्ट इज बीट रूट. सेकेंड इज ऑनियन. सेकेंड इज ऑनियन. और ये सब ग्राउंड के अंदर ही उगते हैं. एक बड़ा सा ग्राउंड रहता है, उसके अंदर बहुत सारे सैंड होते हैं. सैंड मीन्स मट्टी होते हैं. और उसके अंदर ये सारे जो भी आपके बुक में दिए हुए सारे वेजिटेबल्स उसके अंदर ही ग्रो होते हैं. ओके, नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थ्री इज कैरेट. नंबर थ्री इज कैरेट. ओके, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी. नंबर वन, नंबर वन इज बीट रूट. 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 ओके, नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. एंड लास्ट नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड इज कैरेट. ओके, नंबर थर्ड इज कैरेट. इधर हम, इधर क्या लिखा है? कैरोट लिखा हुआ है, पर हम प्रोनाउंस कैसे करते? कैरेट करते. यस और नो? यस. तो चलो अभी आपको टीचर के पीछे रिपीट करना है. यू हैव टू से आफ्टर मी. आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स. हमारी टॉपिक का नाम है रूट वेजिटेबल. रूट मीन्स जो ग्राउंड के अंदर से उगते हैं. जो ग्राउंड के अंदर से उगते हैं वेजिटेबल्स, उनको रूट वेजिटेबल बोला जाता है. वी कॉल देम रूट वेजिटेबल. ओके, सम वेजिटेबल. बोलो चिल्ड्रन, अभी आपको टीचर के पीछे बोलना है. सम वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड. सम वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड. सम वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड. कोई कोई वेजिटेबल्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर से वो ग्रो करते हैं. ठीक है, ग्राउंड के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज, आई हैव रिटन, नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. आपको टीचर के पीछे रिपीट करना है. बोलो, नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. अंडरस्टैंड?
नंबर वन इज बीट रूट. ओके नंबर वन इज बीट रूट. नंबर वन क्या है? बीट रूट. एंड नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी. नंबर टू इज ऑनियन. एंड नंबर थर्ड इज कैरेट. आप लोग चीजें के पीछे बोल रहे हो, से आफ्टर मी. नंबर थर्ड इज कैरेट. अंडरस्टैंड? ओके अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. ओके सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. ओके सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. नंबर वन इज बीट रूट. ओके नंबर टू इज ऑनियन. फाइन. नंबर थर्ड इज कैरेट. आपको घर पे अच्छे से ये क्या करना है? रीड करना है, रिवाइज करना है. फाइन चिल्ड्रन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज. ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे टॉपिक का क्या नाम है? रूट वेजिटेबल. क्या नाम है हमारे टॉपिक का? रूट वेजिटेबल. फाइन. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज कैरेट. नंबर टू इज ऑनियन. आप किसी के पीछे बोल रहे हो ना? गुड. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थर्ड इज कैरेट. आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी. अवर सब्जेक्ट नेम इज जीके, जनरल नॉलेज. अवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थ्री इज कैरेट. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज ऑनियन. एंड लास्ट नंबर थर्ड इज कैरेट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस फुल थ्री रूट वेजिटेबल. यू हैव अंडरस्टूड? यस, गुड. सो चिल्ड्रन, हम वापस से रिवाइज करेंगे. वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल. हमारे टॉपिक का क्या नाम है? रूट वेजिटेबल. ओके सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. जो ग्राउंड के अंदर क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. फाइन चिल्ड्रन, यस. नंबर वन इज बीट रूट. ओके नंबर वन इज बीट रूट. आप लोग बोल रहे हो ना डीजे के पीछे? हैव यू सिंग और नॉट? आप डीजे के पीछे बोल रहे हो? गुड. नंबर वन इज बीट रूट. अंडरस्टैंड? नंबर टू इज ऑनियन. बोलो, नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थर्ड इज कैरेट. अंडरस्टैंड? अगेन नंबर वन इज, बोलो अभी आप लोग बोलो. चलो नंबर वन इज, से लाउडली. नंबर वन इज यस बीट रूट. नंबर वन इज बीट रूट. यस चिल्ड्रन, वेरी गुड. नंबर वन इज बीट रूट. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड इज कैरेट. You can see I have written for you. You can see and read it. What it is written? Beet root. Say children, beet root. Okay. Number two is onion. Understand children? Number third is carrot. Number third is carrot. Number third is carrot.
कैरेट. Understood? I hope you all understood it very well. Yes or no? So children, GK, conversation, story, poetry, ये सारे आपको orally आना चाहिए. It is compulsory to you children that you have to learn this all. Okay, whatever teacher is teaching you in online lecture, you have to learn it, revise it by heart, okay, at your home. With the help of your parents, with the help of your teachers, you can learn it very nicely, okay? When school will reopen, that time I am going to ask you this all question. Means poem, story, whatever I'm teaching you, that all I am going to ask you. Fine children, then your duty is to you do your work at home. Fine? आपको समझ में आ रहा है टीचर क्या बोल रहे हैं कि आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना है. जैसे आप इंग्लिश मैथ्स का पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे हो बच्चे हो आप लोग, यू ऑल आर वेरी गुड. तो वैसे आपको पोएम, स्टोरी, कन्वर्जेशन, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न एट होम. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोग को जिसे क्या समझाना चाहते हैं कि आपको घर पे स्टडी भी करना है. पता है आप स्कूल तो आ नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो इसलिए आपको अभी घर पे सेफली पढ़ाई भी करना है. ओके चिल्ड्रन, फाइन. चलो वापस रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज, फर्स्ट रूट वेजिटेबल इज बीट रूट. फर्स्ट इज बीट रूट. फर्स्ट इज बीट रूट. सेकेंड इज ऑनियन. सेकेंड इज ऑनियन. सेकेंड इज ऑनियन. एंड लास्ट थर्ड वन इज कैरेट. एंड लास्ट थर्ड वन इज कैरेट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? This all for today. Remaining we will do in our next lecture. Yes or no? आगे की जो भी बाकी है root vegetable के वो हम अपने next lecture में देखेंगे. इससे पहले this all for today. Okay? इसके बाद आपको एक link आएगा वंदे मातरम का, जिसको आपको sing करना, मतलब click करना है और वंदे मातरम sing करना standing position में. Okay? This all for today. Bye bye. Take care. Thank you.